एक बड़ी खूबसूरत बात, इमाम आजम अबू हनीफा के एक शागिर्द गुजरे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने, खूबसूरत बड़े थे, कुछ खूबसूरत थे, कुछ सोना, कुछ मुंह दा मीठा, कुछ प्यारे बड़े थे, कुछ उनका अंदाज ये था कि नफासत पसंद बड़े थे, बड़े नफीस थे, निकलते थे तो तनहा नहीं निकलते थे। एक दफा बगदाद में तशरीफ लाए तो बगदाद से उन्होंने एक बस्ती और में जाना था, तो वहां यहूदियों और ईसाइयों का बड़ा गलबा था, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाने लगे यहूदियों ईसाइयों के बीच से गुजरना है तो कोई यही ना समझे कि उनके तो पल्ले कुछ नहीं। कहने लगे सोने घोड़े लाओ अरबी नस्ल के। 30 शागिर्द साथ थे, उनको भी साथ तैयार किया, अरबी नस्ल के 30 घोड़े और 30 शागिर्द, उनको कहा भी दस्तारे जरा ना ऊंची बांधना, तो दस्तारे भी बांधी उन्होंने कुल्ले वाली बड़ी खूबसूरत, शागिर्दों को भी जुब्बे पहनाए, खुद भी जुब्बा पहना सफेद रंग की, आला नस्ल की घोड़ी, आगे आगे पीछे 30-32 शागिर्द। और जब आप गुजरे ना बगदाद के आगे उस इलाके से, यहाँ यहूदी ईसाइयों की भी कसरत थी, तो औरतों की आदत होती थी पुराने जमाने में मेहमान देखने के लिए छतों पर चढ़ जाती, कुछ अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती, कुछ देखती खिड़कियों में से कि गुजर रहा है कोई मेहमान, तो यहूदियों की ईसाइयों की बहुत सारी औरतें छतों पर चढ़ गईं, तो मुसलमान नारे लगाने लगे इमाम मोहम्मद आ गए, इमाम मोहम्मद आ गए। कुछ पहले ही बड़े हसीन थे, पहले ही बड़े खूबसूरत थे, कुछ हुजूर की सुन्नत का नूर चढ़ा हुआ था, कुछ दाएं बाएं शागिर्द थे, फूलों की पत्तियां गिर रही थी, तो जब मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगने लगे ना, तो उन औरतों ने इमाम मोहम्मद का जलवा देखा, तो देखा देखी काम क्या शुरू हुआ, एक ने देखा तो इतनी महव हुई कि उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, उससे कलमा सुनकर तो दूसरी ने भी पढ़ा, तीसरी ने भी पढ़ा, चौथी ने भी पढ़ा, बीबियां बुलंद आवाज से मुसलमान होने लगी, उनको देखा देखी मर्द भी पढ़ने लगे, ढेर सारे यहूदी ईसाई मुसलमान हो गए। एक मुसलमान उनसे कहने लगा तुम्हें गलती लग गई है, ये हमारे नबी मोहम्मद नहीं है। तो मियाँ साहब का नाम मोहम्मद था ना, तो कश्मीर के लोग कहने लगे शायद वहां के हिंदू सिख वहां के जो थे कश्मीर के, वो कहने लगे शायद वही मोहम्मद है। तो फरमाने लगे मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर जिसका खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद हो। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने गुजर नारा लग रहा था, तो एक बंदा कहने लगा ये वो वाले मोहम्मद नहीं है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये वो नहीं है, तो हमारे एक इमाम है इमाम मोहम्मद, वो वाले नहीं। अब वो कुछ लोग चुप थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, तो एक बूढ़ी अम्मा अपने अंदाज में बीच में से बोली, कहने लगी चल बेटा छोड़, हमें पढ़ने दे कलमा, अगर मुसलमानों के छोटे से मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल, वह पढ़ने दे हमें कलमा, ये हाल है उनके गुलामों का तो सरकार का आलम क्या हो। बताना ये चाह रहा था कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदे ने एक दफा मसला पूछा, उसने कहा हजरत साहब मैं गया था मंडी, वहां से लाया हूं एक टोकरी आम की और एक टोकरी सेब की, हमारे यहाँ का करेट कहते हैं उसको, तो मैं वो लेके आया हूं। अब मैंने जब घर ला के उसको खोला है ना, तो आधे सही निकले हैं, होता है ना जी अल्लाह खैर करे जो दयानतदार ताजर है अल्लाह आजकल मेहरबानी फरमाए, वो हमारा रेड़ी वाला भी बड़ा ईमानदार है, हम क्या करें सदर की बात, वो भी सामने सामने जो तगड़े तगड़े होते हैं उसने आगे लगाए होते हैं, और जो थोड़े से निकम्मे होते हैं वो अंदर वाली साइड पे दीवार के अंदर रखे होते हैं, क्या किया जाए, हम क्या सियासतदानों की करप्शन की बात करेंगे, यहाँ तो मामला बड़ा गड़बड़ है नीचे से लेकर। तो कहा हुजूर मैंने वो जो खोली है ना पेटी, वो टोकरी जब मैंने खोली है तो ऊपर ऊपर तो आम और सेब ठीक थे, तो अंदर गले सड़े हैं, तो अब मेरे लिए हुक्म क्या है। तो आप फरमाने लगे भी मसला शरी है कि रखने हैं तो सारे रख, वापस करने हैं तो सारे कर, ये नहीं हो सकता कि तू सही सही रख ले और गले सड़े। तो ये मसला इमाम मोहम्मद बता के तो रोने लग गए। तो बंदा कहने लगा हुजूर मसला बताया है आपने तो फिका का एक मसला है सादा सा कि हजरत अब क्या करना है, तो रोने वाली कौन सी बात है। तो फरमाने लगे ये तुझे मसला बता के ना मुझे कुछ और याद आ गया। आपको क्या याद आया है। फरमाने लगे मैं भी अर्ज करूंगा मौला इमाम आजम के पास बैठा हूँ, मारूफ करखी सिरी सख्ती जुनैद बगदादी इन सारे दरवेशों के पास रहा हूँ, मैं भी बैठा होता था उस महफिल में जिसमें ये होते थे, अगर जन्नत में भेजने हैं तो सारे भेज, ये नहीं हो सकता कि गले सड़े इधर फेंक दे और अच्छे अच्छे उठा के ले जाए, हम सारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले।
सबको कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम सबका इकट्ठा नाम, इन लोगों की जो मोहब्बत है ना वो फायदा देगी।